हेलो नमस्ते किंग शो माई नेम इजंदा एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन लाइफ फॉरन जाने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज में जाने का वहां पर रेसिडेंसी लेने का वहाँ पे स्टडी करने का सपना तो बहुत सारे इंडियंस देखते हैं लेकिन कई कबार सिलेक्टिंग ऑफ रोंग कोर्स सिलेक्टिंग रोंग यूनिवर्सिटी और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो गलत सिलेक्ट करने की वजह से रेसिडेंसी नहीं हो पाती या फिर अच्छी जॉब नहीं मिलती और मैनी मोर थिंग्स सो इन दिस वीडियो मैं टॉप फील्ड के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ सो इन दिस वीडियो मैं ज्यादा से ज्यादा फील्ड कवर करने की कोशिश करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से रेसिडेंसी होती है व्हाट आर द आईलेट्स रिक्वायरमेंट कौन सी फील्ड में इजीली जॉब मिलती है और बहुत सारी चीजें जो कई बार हमें नहीं पता होती जब मैं छह साल पहले आई थी तब मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है और इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली होती है टू तो गेटिंग अ जॉब और गेटिंग द रेसिडेंसी सो so, चलिए शुरू करते हैं इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग ऑल द ऑल द इंफॉर्मेशन एज पर माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज सो फर्स्ट फार्मेसी यस ये मेरा फील्ड है और उसके अंदर मुझे ज्यादा नॉलेज है सो उसी से स्टार्ट करते हैं। जब मैं इंडिया से आई थी तब बहुत सारे लोगों ने इंडिया में मुझे बोला था कि, कि वहां फार्मासिस्ट का तो सैलरी बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है फॉरेन के अंदर फार्मेसी में बट जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे पता चला कि, कि अगर आपको एज अ फार्मासिस्ट यहाँ न्यूजीलैंड में काम करना है तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा मुझे इंडिया में किसी ने समझाया था क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपको ऐसे करवाना होता है एक एग्जाम देनी होती है फिर एक इंटर्न की जैसे जॉब करनी है सिक्स मंथ और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं uh, सारी चीजें ट्रू थी उसके अंदर लेकिन जो डिटेल थिंग्स थी वो मुझे नहीं किसी ने बताई थी सबसे पहली प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर वन इज कि जब मैं यहाँ पे आई थी तब मैं इंडिया से आई थी जब भी कोई इंडिया से आता है तो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपको ओईटी देनी होती है या फिर आईलेट्स देना होता है प्रोफेशनल फील्ड में ओ या आईलेट्स कंपलसरी होता है इन न्यूजीलैंड सो अगर आपको एज अ फार्मासिस्ट काम करना है तो ये सारी एग्जाम देने से पहले ही रिक्वायरमेंट होती है कि आप ओ में बी ग्रेड लाए और आईलेट्स के अंदर सेवन बैंड ईच सेवन पॉइंट फाइव बैंड ओवरऑल ये आपको लाना है तभी आप एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं तो पहला तो हमारे शस्त्र वहीं पे ही हो जाते हैं क्योंकि सेवन पॉइंट फाइव बैंड ओवरऑल लाना इट्स नॉट अ जोक यार इट्स वेरी डिफिकल्ट तो पहले तो फिफ्टी परसेंट लोग तो उसी में ही फेल हो जाते हैं चलो मान लो कि, कि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आई एम टॉकिंग एज माई व्यू बिकॉज ऐसा नहीं है कि, कि आप नहीं ला सकते आप ला सकते हैं अगर आप स्मार्ट uh, है तो ला सकते हैं लेकिन जनरली इट्स हार्ड लाइक मैं गुजराती मीडियम की स्टूडेंट थी मैंने फार्मेसी इंग्लिश में किया था लेकिन 7.5 पॉइंट बैंड लाना इज बिट डिफिकल्ट तो uh, उसके बाद मैंने एग्जाम uh, दी ओटी की ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट इंग्लिश की एग्जाम होती है न्यूजीलैंड में तो उसमें मेरा सी ग्रेड आया था और चाहिए था मुझे बी ग्रेड और उसकी फीस ज्यादा होती है तो बिकॉज सारी फीस हमें ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स uh, की या ऐसी होती है वो लगती है क्योंकि तब हमारा मेरा रेसिडेंसी नहीं था तो uh, आपको uh, सारी फीस थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है तो uh, फिर uh, मैंने चलो मान लो कि अगर कोई 7.5 पॉइंट फाइव ओवरऑल लाभ ही देता है तो उसके बाद जो स्टेप वन होता है आई थिंक वो होता है एप्लीकेशन फॉर इनिशियल कंसिडरेशन उसकी फीस होती है 690 डॉलर 690 डॉलर उसकी फीस होती है चलो मान लो कि आपका कंसिडरेशन हो गया उसके बाद स्टेप टू होता है नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस या yeah, उसका नेम है के ए पी एस एग्जाम वो आपको देनी होती है और उसकी फीस होती है ऑलमोस्ट दो हजार डॉलर टू थाउजेंड डॉलर तो एक लाख रुपए मान लीजिए चलिए वो भी आपने अरेंज कर दी और uh, उसके अंदर आप पास हो गए मैं बता दूं कि इसका रेशियो बहुत ही कम है बिकॉज uh, वो एग्जाम बहुत ही हार्ड होती है सो लाइक इट्स डिफिकल्ट लेकिन चलो मान लो कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा स्कॉलर स्टूडेंट है तो फिर भी आपने पास कर दिया वो एग्जाम उसके बाद आता है न्यूजीलैंड फार्मेसी लेजिस्लेशन का प्रोसेस आता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसका भी एग्जाम आता है फिर आपको इंटर्न पे जॉब करना होता है तो ये सब बहुत डिफिकल्ट है यू you नो know? क्योंकि अगर आपके पास यहां का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आपको जल्दी जॉब नहीं मिलेगी एज ए इंटर्न एंड इट्स डिफिकल्ट टू गैट सो so, ये सारी प्रोसेस फिनिश करते करते आपको आपका वर्क वीजा और सब का भी ध्यान रखना पड़ता है सो so, ये सारे चक्कर में बहुत सारा टाइम चाहिए मनी चाहिए और बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट लाइक इट्स वेरी हार्ड वेरी 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 हार्ड तो उसके अलावा मैं अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कीजिए वो कोर्स छोटा भी है आ, रीजनेबल भी है आ, सस्ते में आपको आ, अगर आप इंटरनेशनली आते हैं इंडिया से आते हैं तो वो फीस आपको थोड़ी कम लगेगी आ, बट आ, अगर आपको कोई बैचलर ऑफ फार्मेसी या अगर कोई मास्टर ऑफ फार्मेसी करना चाहेगा सो मैं अपनी तरीके से बिल्कुल ना कहती हूँ क्योंकि उसके अंदर आपके फीस uh, बहुत ज्यादा लगेगी और uh, जितना आपका स्टडी हाई होता है उतना आपको जॉब प्रोफाइल बहुत हाई दिखाना पड़ता है फॉर रेसिडेंसी तो समझ लीजिए अगर आप मास्टर करते हैं तो फिर अगर आप जॉब ढूंढने जाएंगे तो उसके बाद आपको बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए एंड आईलेट्स की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी सो मेक श्योर आई सजेस्ट यू फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स एज पर माई ओपिनियन उसके बाद बात करते हैं लेबोरेटरी फील्ड की इन लेबोरेटरी सेम आप लैब uh, टेक्नीशियन का कोर्स कीजिए वो कोर्स भी अच्छा है वेरी नाइस nice, और न्यूजीलैंड में लेबोरेटरी की डिमांड बहुत है और बहुत सारी लैब्स है तो आप लोगों को बहुत इजीली लैब में जॉब मिल जाएगी और उसके ऊपर से आपका रेसिडेंसी हो हो जाएगा सो so, uh, मेरी लिंकड uh, पे प्रोफाइल है तो उसमें अभी दो चार लोगों को मैंने सजेस्ट किया था कि, कि आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कीजिए और उन्होंने एक्चुअली यहां पे आ भी गए वो लोग और उन लोगों को एश्योर क्वालिटी में जॉब भी मिल गई सो लाइक इट्स अ गुड अगर आप अच्छा कोर्स सिलेक्ट करेंगे और उसपे उस पर उस रेसिडेंसी करवाने जाएंगे तो वो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपने कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम किया इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रेजिडेंसी साथ हम बात करेंगे नर्सिंग uh, की नर्सिंग टॉप इंटरेस्टिंग फील्ड है लेकिन बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं यू कैन डू बैचलर ऑफ नर्सिंग आफ्टर ट्वेल्थ ईयर इन न्यूजीलैंड लेकिन मैं बता दूं उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि, कि आपको जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तब uh, यहाँ का एन सी एन सेड नर्सिंग काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूजीलैंड है उसके अंदर ऐसा है कि, कि आपको आईलेट्स अगर आप इंडिया से है तो आपको आईलेट्स के अंदर सेवन बैंड लाने हैं तो अगर आप ला सकते हैं सेवन बैंड सो तो डेफिनेटली आप बैचलर ऑफ नर्सिंग कर सकते हैं उसकी इंटरनेशनली फीस थोड़ी ज्यादा है लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो मैं तो डायरेक्टली वही सजेस्ट करूंगी कि आप बैचलर ऑफ नर्सिंग कीजिए राधर देन अ स्मॉल कोर्सेज बिकॉज स्मॉल कोर्सेज करने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन uh, के लिए uh, अगर अप्लाई करना है तो आपको uh, uh, एक और कोर्स एड करना पड़ेगा या फिर एग्जाम देनी पड़ती है सो आई थिंक आप बैचलर ऑफ नर्सिंग करेंगे तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एज अ नर्स न्यूजीलैंड में काम कर सकते हैं तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू दैट लेकिन या आईलेट्स का वो और ओ टी में बी ग्रेड या फिर आईलेट्स के अंदर सेवन बैंड आपको कंपल्सरी लाने होंगे अगर आप इंडिया से है उसके बाद हम बात करेंगे रिटेल इंडस्ट्री की बहुत सारे लोग इंडिया से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स लेके आते हैं और उसके अंदर आपको कोर्स सिलेक्शन में प्रॉपर ध्यान रखना है बिकॉज बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज uh, होती है सो so, उस उस टाइम आपको आपको अपने एजेंट से प्रॉपरली पूछना है कि किस फील्ड में मुझे प्रॉपरली जॉब मिलेगी और उसके बाद व्हाट आर द रेसिडेंसी चांसेस बिकॉज कई सारी लाइक रिटेल इंडस्ट्री की जॉब में आपको पैकेज दिखाना पड़ता है कि इतना सैलरी पैकेज है और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस uh, भी थोड़ा चाहिए देन Uh, अगर uh, आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उतना आपको सैलरी uh, नहीं मिलेगा और जॉब मिलने में भी थोड़ा डिफिकल्टी होगा और रेसिडेंसी में तो आपको सिक्स पॉइंट फाइव बैंड लाना है अगर आपको रिटेल इंडस्ट्री में से uh, और ये न्यूजीलैंड में कंपलसरी है अगर आप कोई भी फील्ड में जाए तो मिनिमम सिक्स पॉइंट फाइव बैंड का रिक्वायरमेंट है ही अगर आपको अपनी रेसिडेंसी डालनी है तो सो रिटेल इंडस्ट्री में आपको ये बहुत ध्यान रखना है प्लीज प्लीज आप कंफर्म कीजिए क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स वट आर द चांसेस ऑफ रेसिडेंसी ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उसके बाद हेल्थ केयर का कोर्स आता है ये भी बहुत डिमांडिंग है न्यूजीलैंड के अंदर आप हेल्थ केयर का कोर्स कर सकते हैं उसमें से भी रेसिडेंसी होता है आई थिंक मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 पॉइंट फाइव एंडी है उसके अंदर बट स्टिल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक उतनी ही है अगर हेल्थ केयर में से आपको रेसिडेंसी करवाना है और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसके अंदर उसके बाद अकाउंटेंट अकाउंटेंट का इट्स अ डिफिकल्ट टू गेट जॉब हियर बट स्टिल अगर आपने यहां से स्टडी किया है सो इट्स लाइक अ बिट इजी लेकिन अगर आप यहां से स्टडी करते हैं तो अकाउंटेंट के कोर्स में एक चीज का ध्यान रखना है क्योंकि मस्ट स्टडी प्रोग्राम दैट अप्रूव बाय द न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप अकाउंटेंट का कोर्स लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं शेफ के कोर्स की शेफ जब मैं छह साल पहले आई थी तब इट्स इजी टू गेट रेसिडेंसी फ्रॉम शेफ कोर्सेज लेकिन अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है बट नॉट लाइक इम्पॉसिबल लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाना होता है और आई uh, थिंक uh, उसका सिक्स पॉइंट फाइव बैंड रिक्वायरमेंट होता है आईलट्स के अंदर अगर आपको रेसिडेंसी करवाना है शेफ के कोर्स में से बट यस लाइक स्टिल देर इज अ नाइस होप विथ शेफ कोर्सेज और uh, अगर आपको इंटरेस्ट है कुकिंग का सो आल सजेस्ट यू टू डू शेफ कोर्सेज एज वेल ऑल्सो वेरी गुड इन न्यूजीलैंड के बाद बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की यहां पे न्यूजीलैंड में क्लिनिकल ट्रायल्स ऑकलैंड के अंदर कंपनियां थोड़ी है लेकिन साउथ आइलैंड में थोड़ी कम है सो so, अगर कोई साउथ आइलैंड में स्टडी करना चाहता है सो आई सजेस्ट नो बिकॉज इन साउथ आइलैंड में क्लिनिकल ट्रायल्स के जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस बहुत कम है लेकिन अगर आप ऑकलैंड में जाएंगे तो वहां पे कंपनीज है लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा अगर आप फ्रेशर्स हो तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब बिकॉज मोस्ट ऑफ द जॉब में वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं तो मेक sure श्योर कि आप आपका कोई एक्सपीरियंस हो अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन क्लिनिकल ट्रायल्स अदरवाइज आपका कोई रेफरेंस होना चाहिए स्ट्रांग और माई सम बडी हेल्प यू इन दैट फील्ड अदरवाइज इट्स लाइक डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब उसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग uh, फील्ड में मैं इंजीनियरिंग फील्ड में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूं बट एज पर माई नॉलेज आई एम शेयरिंग यू समिप्स लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग यहां पर स्टडी कर रहा है और अगर उसको पता है कि वॉट इज द बेस्ट इन इंजीनियरिंग प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं सो so सारे लोगों को पता चले और आपकी इन्फॉर्मेशन से किसका भला हो जाए और वो राइट right डायरेक्शन में जाए एक तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है वो थोड़ा हार्ड है उसके अंदर जॉब मिलना इट्स बिट डिफिकल्ट लेकिन आपको अगर न्यूजीलैंड में Uh, कहीं पे भी, भी आप अगर ट्रैवल कर सकते हो जॉब के लिए तो मिल जाती है जॉब लेकिन इट्स लाइक अ फिफ्टी फिफ्टी चांसेस उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं लाइक अ रिपेयर और सम सम काइंड ऑफ कोर्स मैंने सुना था ऐसा तो uh, उसके ऊपर से रेसिडेंसी होता है लेकिन आपको पूरा रिसर्च करना है कि uh, वो कौन सा कोर्स है और उसके अंदर uh, आपका रिक्वायरमेंट क्या होगा बिकॉज uh, बहुत सारे लोगों को इंडिया से प्रॉपरली पता नहीं होता है लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं और जॉब ढूंढने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि, कि उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट चाहिए सो so, प्लीज uh, uh, आप प्रॉपरली फाइंड आउट कीजिए इंजीनियरिंग का और उसके बाद ही आप कोर्स सिलेक्ट कीजिए लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल uh, इंजीनियरिंग में जॉब मिलती है Uh, उसके बाद हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का uh, यहाँ न्यूजीलैंड में uh, उसका स्कोप ज्यादा है सिविल इंजीनियरिंग का लेकिन अगर आप इंडिया से आते हो और सिविल uh, इंजीनियरिंग में एक प्रॉब्लम ये होता है हमारे इंडियंस को क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बाहर काम करना होता है तो यहाँ का वेदर बहुत कोल्ड है विंडी होता है तो आप समर में काम कर सकते हैं लेकिन अगर आपको विंटर में या फिर रेनी सीजन में काम करना पड़ा तो इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट इट्स लाइक लिटरली मैं जब देखती हूँ रोडवर्क में लोग जब काम कर रहे होते हैं इट्स लाइक अ हार्ड ब्रेकिंग थिंग लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट दिस आर द टॉप फील्ड दैट आर रियली इन डिमांड इन न्यूजीलैंड तो अगर आपको रेसिडेंसी करवाना है तो ये सारे फील्ड में जॉब मिलना इट्स लाइक अ बिट इजी अगर कोई छूट गया है सो सॉरी अबाउट दैट बिकॉज मुझे इतनी ही फील्ड का नॉलेज है सो so, मैंने ये सारे uh, फील्ड को कवर करने का ट्राई किया है लेकिन अगर किसी को भी uh, उनके फील्ड का नॉलेज है अगर वो शेयर uh, करना चाहता है तो वो कमेंट कर सकता है तो आई uh, थिंक uh, वो यूजफुल हो फॉर इंडियन स्टूडेंट्स जो फॉरन uh, आना चाहते हैं एंड स्पेशली वो वॉन्ट टू कम इन न्यूजीलैंड एंड सेटल डाउन एंड कैटर रेसिडेंसी सो मेक श्योर आपको दिस इज माई हम्बल एडवाइस फॉर ऑल ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जो uh, यहाँ पे न्यूजीलैंड आना चाहते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपरली आप ध्यान रखिये उसके बाद आपको पेशेंस रखना है और उसके बाद आपको राइट डायरेक्शन में जॉब ढूंढनी है क्योंकि अगर आप uh, प्रॉपरली जॉब को ढूंढेंगे नहीं तो कई बार वीजा का इश्यूज हो जाता है आपको जॉब ना मिलने की वजह से आपको वापस भी जाना पड़ सकता है सो मेक श्योर की आप बहुत हार्डवर्किंग हो सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सी यू नेक्स्ट टाइम